और ये जो है भाई वेब, ये देखो ये कुछ इस तरीके से लगता है, और उसके बाद भाई अपना करके जो है स्पाइडरमैन अपने जाले वगैरह फेंक सकता है भाई। लेकिन ये देख रहे हो कितना ज्यादा पहने इसको, तो हम इस तरीके से हाथ पे भी नहीं ले सकते, नहीं तो ये हमारे हाथ पे छेद कर देगा। इसका पैर अलग चलता है और साथ ही में ये अपनी भाई पूरी की पूरी कमर घुमा सकता है 360 डिग्री, यानी कि ये जो है ये एक काफी स्ट्रॉन्ग वाला हल्क है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार जो आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के स्लेटर काफी ज्यादा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स में, जो आते थे पहले 10 रुपए के, लेकिन आजकल ये हैवी डिमांड होने की वजह से अब आते हैं मात्र केवल 5 रुपए में, जिसमें आप देख सकते हो यशोदा जी की तरफ से आने वाला चकोई भोरा से लेकर दादू जी की गुल्लक तक है, और ये राहुल नास्ता की तरफ से आता है, इसके अंदर फ्री गिफ्ट्स इनसाइड निकलते हैं, जिसमें हमारे छोटे इनाम भी निकल सकते हैं, बड़े इनाम निकल सकते हैं, किसी में निकल सकते हैं सस्ते इनाम, तो किसी में निकलने वाले काफी ज्यादा महंगे इनाम। और आज एंड का वेट नहीं करेंगे, आज बीच में दे दिया जाएगा 15 लोगों को शॉट आउट, जिनमें से किसी एक को नहीं दो को नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलने वाला एक ऐसा TWS जो कि भाई एकदम एप्पल के एयरपोर्ट की तरह दिखता है। साथ ही में मिलने वाली एक मेटल की डाईकास्ट RC Thar जो कि प्रॉपर एक मेटल की होने वाली है, और इसी के साथ मिलने वाली है क्रिस्टल स्लाइम की 2 बॉक्स जो काफी ज्यादा तगड़ी है, और ये दोनों की दोनों जो है एक तो भाई मटके वाली स्लाइम है, प्लस में ये खास इसलिए क्योंकि ये वाली जो है मॉन्स्टर स्लाइम है, इसको आप घोस्ट स्लाइम के नाम से भी जानते होंगे। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल के सब्सक्राइब, बाजू में दिखे बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जितनी लेटेस्ट वीडियोस आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं यशोदा जी की तरफ से आने वाला मात्र 5 रुपए में फ्री गिफ्ट इनसाइड के साथ, ये दावे के साथ कहते हैं कि इसके अंदर इनके फ्री गिफ्ट निकलते हैं। तो भाई चकई भोर हमने ले लिया है, इसके अंदर लट्टू बने हुए हैं काफी अलग अलग तरीके के, साथ में बेवलेट वगैरह बने हुए हैं RC Car से लेके इसके अंदर आपकी मेटल की डाईकास्ट कार तक निकल सकती है, इसके अंदर 500 रुपए का नोट 2000 रुपए का नोट तक भी निकल सकता है। तो इसमें हम देखने वाले कि क्या इसके अंदर हमारा कुछ तगड़ा इनाम निकलेगा या नहीं, तो इसको हम इसी की खाली जगह पे गिरा के देखेंगे। ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप ये देख सकते हैं, ये वही हाथ पे लगेगा फिचिक करके, जिसके साथ हमें एक मिलता है स्पाइडरमैन, यहाँ पर एक वेब भी है, और एक चीज और है, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है भाई, ये है एक चाबी का छल्ला यानी कि स्पाइडरमैन वाली बॉटल का कीचेन, और ये काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है। और ये जो है भाई वेब, और इसको यहाँ पर इसके हाथ पे लगाना, ये देखो ये कुछ इस तरीके से लगता है, और उसके बाद भाई अपना करके जो है स्पाइडरमैन अपने जाले वगैरह फेंक सकता है। तो अगर आपको इस तरीके से एक्शन फिगर अच्छे लगते हैं जिसकी चेस्ट में भाई इसको बटन दबाने के बाद आप लाइट भी जला सकते हो, तो आपको ये गिव अवे होने वाला है, और इसके लिए भी आपको लिखना है अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है स्पाइडरमैन बॉटल किचन एंड स्पाइडरमैन एक्शन फिगर, ताकि ये जो है भाई अपने हाथों पर खड़े होने वाला और इसके एक एक बॉडी पार्ट मूव करता है, सर भी मूव करता है, ये आपको गिव अवे हो सके। और अब इसके बाद भाई हम लेने वाले हैं अपना दूसरा यकचकई भोरा वाला एक और स्नैक, और इस बार जो है भाई हम उम्मीद करेंगे या तो हमारे 500 का नकली का नोट निकल जाए, या असली का नोट निकल जाए, या 2000 रुपये का असली का निकले, या फिर नकली का निकले, लेकिन निकलना जरूरी है भाई, तो कुछ ना कुछ निकलना चाहिए हमारा। आवाज तो बहुत तेज आई है जो कि भाई यहीं से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा एक लॉन्चर और साथ में बेब्लेड है जो कि हमने अपने हाथ में भी ले लिया। ये देखो इसके अंदर एक आपको लॉन्चर मिलता है जिसको कुछ इस तरीके से आपको खींचना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बेब्लेड लगाना, और ये देखो यार ये तो मेटल का है जो काफी ज्यादा तगड़ा भी है। तो अगर आपको इस तरीके से भाई मेटल वाले बेब्लेड बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और ये चलते भी काफी स्पीड में, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिखना, उसके आगे आपको लिखना बेब्लेड विद लॉन्चर, ताकि ये मेटल वाला बेब्लेड और ये लॉन्चर आपको गिव अवे हो सके, और ये चलने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब बारी आने वाली है हमारे तीसरे वाले चकई भोरा की, जो कि आता है यशोदा जी की तरफ से। तो फटाफट से अब हम लेने वाले अपनी सीजर, ये ले लिया हमने अपनी सीजर, और ये जो है भाई अभी भी चल ही रहा है। तो इस बार जो है हम चाहते हैं हमारा एक कम से कम 2000 रुपये का नोट निकल जाए। निकल जा भाई, इतनी बार बोल चुका हूँ मैं, अब तो यार बोल बोल के मैं तुझसे थक चुका हूँ। तो ये देख सकते हो भाई, इस पैकेट को भी हमने कट कर लिया, और ये बेवलेट अभी तक हमारा चल ही रहा है। तो भाई इसको देखने वाले इसके अंदर क्या निकलता है। तो यार सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, ये ब्लेड मेटल की होने की वजह से अभी तक चल ही रहा है भाई। और ये देखो ये उल्टा होकर जो पड़ा हुआ, ये तो आप पीछे से देख के बता सकते हो कि ये है हमारा हल्क, और ये कह रहा है आई एम स्मैश भाई। इसके हाथों की मूवमेंट होती है, इसकी गर्दन वगैरह भी आप मूव कर सकते हो, पुशुम पुशुम करके जो भाई इसके हाथ वगैरह भी चल रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज की ये देखो भाई, इसका पैर अलग चलता है, और इधर की तरफ से इसका पैर अलग चलता है, और साथ ही में ये अपनी भाई पूरी की पूरी कमर घुमा सकता है 360 डिग्री, यानी कि ये जो है ये एक काफी स्ट्रॉन्ग वाला हल्क है, और इसकी चेस्ट में भी LED लाइट जलती है। तो अगर आपको इस तरीके के एक्शन फिगर पसंद है जिनकी एक एक बॉडी पार्ट भाई मूव होती है, और ये खुद भी पूरे के पूरे 360 डिग्री तक मुड़ जाते हैं, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिखना है, और उसके आगे आपको लिखना है हल्क, ताकि ये जो है इनक्रेडिबल हल्क आपको गिव अवे हो सके। तो इसके बाद इसी के साथ हमें एक चीज और मिली है, और ये भाई एक चक्री जिसको आपको इस तरीके से घुमा के चलाना होता है। और अब हम देखने वाले हमारा तीसरा चकई भोरा, तो इस पर फ्री गिफ्ट्स इनसाइड तो इतनी बार लिखा हुआ है, और इसके ऊपर बेब्लेड वगैरह भी छपे हुए हैं, लेकिन इसमें निकलता ही बहुत कम है। तो इस बार हम देखने वाले कि क्या इस बार भी हमारा कोई मेटल का बेब्लेड निकलेगा, या फिर हमारी कोई RC Car निकल जाए मेटल वाली, या फिर भाई कोई डाईकास्ट वाली गाड़ी निकल जाए, या 2000 रुपये निकल जाए। तो कुछ ना कुछ तो इसमें हमारा निकलना चाहिए। क्या बात है यार, यहीं से कुछ दिख रहा है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 ज्यादा चीजें निकली हैं। सबसे पहले तो हमारा एक लट्टू निकला है जिसको बनाना आपको बहुत ईजी है, इस तरीके से इसको घुमाना है, उसके बाद
इस खाली जगह पे इसको इस तरीके से चला देना है। और दूसरी और जो तीसरी चीज है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये देखो भाई, जो कि भाई एक पर्पल कलर से लेके स्काई ब्लू कलर में है। और ये देखो, अरे यार ये जेल पेन है भाई, ये कोई पेंसिल नहीं है, ये देखो ये जेल पेन है। क्या बात है यार, मतलब ये एक मरमेड डिजाइन में जो कि एकदम फिश के डिजाइन में आती है, और ये काफी ज्यादा शाइनी है, और ये मेटल की है तो थोड़ी बहुत भारी भी है। आप लोगों को पता हो कि ये इसी तरीके से ना एक आती है भाई प्लास्टिक में भी, लेकिन ये मेटल की तो इसी वजह से काफी ज्यादा भारी है। और पीछे की तरफ से हिलाओगे ना तो पता चलता है कि भाई कोई एक लोहा सा हिला रहे। तो अगर आपको इस तरीके वाले पेन पसंद है तो एक सेकंड रुको, क्योंकि जो इसका तीसरा जो चीज निकली है वो है भाई ये गन वाला पेन, और ये भी एक मेटल का पेन है। आगे से आप देखोगे तो इतना हिस्सा पूरा प्लास्टिक का है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने इसको सिक्का दे रखा पेन वाला। बाकी पीछे की तरफ से देखोगे तो इन्होंने एक भाई पिस्टल बना रखे, जिसको आप ऐसे पकड़ के डिस्क्याओ कर सकते हो। और ये रोलर भी काफी ज्यादा कूल है, और ये देखो ये थोड़ा बहुत बटन इधर से हिल रहा है, तो ये मेटल की है, इसी वजह से भाई ये भी काफी ज्यादा भारी है। तो अगर आपको ये दोनों के दोनों भाई मेटल वाले पेन पसंद आए जो काफी ज्यादा भारी है, तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है गन एंड फिश पेन, ताकि ये दोनों पेन आपको गिव अवे हो सके। और भाई लट्टू और पेन के बाद हमारा एक निकला है ओ यस वाला एक शार्पनर, यहाँ से पेंसिल शार्प करो और उसके बाद इसको खोल के अपना सारा डस्ट जो है डस्टबिन में डाल सकते हो। तो अगर आपको फैंसी शार्पनर पसंद है, अपने नाम के आगे वॉल लिख के आपको लिखना है यस वाला शार्पनर, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। अब इसके बाद भाई बारी आती है हमारे सबसे आखिरी वाले यशोदा जी की तरफ से आने वाले फ्री गिफ्ट्स इनसाइड। इस बार चाहिए हमें, इस बार 2000 का नोट नहीं, अब तो हमें भाई 500 का नोट भी चाहिए, 100 का भी चाहिए, 50 का भी चाहिए, बेवलेट भी चाहिए, लट्टू भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए हमें, और एक भाई मेटल वाली थार भी चाहिए। तो देखते हैं कि ये जो है अब क्या क्या हम लोगों को देने वाले हैं, या फिर ये इस बार हमारा मोए मोए करके रहेंगे। तो इसी की खाली की जगह पे इसको गिराने वाले हैं। यार ये तो गजब ही हो गया भाई, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है तो वही उठाने वाले हैं। ओ ये नकली का पेन, ओ भाई साहब क्या बात है, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये ही ना बात, आज हमारा निकला एक असली का 500 का नोट फाइनली, इतनी सारे पैकेट खराब करने के बाद, मतलब कम से कम 50 वीडियो बनी होंगी, और उसके बाद जाके आज ये निकला भाई, और ये पूरा का पूरा 500 का नोट है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले। अगर आपको भाई असली के नोट अच्छे लगते हैं, नकली के भी अच्छे लगते हैं, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिखना, क्या आपको लिखना असली वाला 500 का नोट, ताकि ये वाला अमेजिंग और ब्यूटीफुल 500 का नोट आप लोगों को गिव अवे हो सके। और इसके बाद भाई एक ये हमारा लट्टू निकला जो अभी हमने चला के यहाँ पर देखा भी था, और इसके साथ ही भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही है, जैसे कि बहुत सारी चीजें भाई इसके अंदर। तो भाई इन तीनों चीजों को बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। एक तो भाई बहुत पक्की पैकिंग कर रखे, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको निकाल देंगे। ओ क्या बात है भाई, ये एक लट्टू है और इसके अंदर एक रोप भी दे रखे ब्लैक एंड व्हाइट। ओह भाई, लेकिन ये देख रहे हो कितना ज्यादा पेन है, इसको तो हम इस तरीके से हाथ पे भी नहीं ले सकते, नहीं तो ये हमारे हाथ पे छेद कर देगा। अगर आपको इस तरीके के भाई लट्टू बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, बस इसकी जो है कील इसको थोड़ा सा मोड़ लेना, ताकि जब आप इसको हाथ पे लो तो ये आपके हाथ पे गड्ढा ना करे। तो अगर आपको इस तरीके से भाई लट्टू अच्छे लगते हैं, तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना लट्टू, ताकि ये वाला लट्टू आपको भाई गिव अवे हो सके, और इसका नाला जो है आप अपने निक्कर वगैरह में भी बड़े आराम से डाल सकते हो। और ये है भाई हमारी इसके बाद की तीन चीजें। पहली वाली है भाई एक प्लास्टिक वाली जो की हमारी हर बार निकलती है, ये इस बार एक ग्रे कलर में निकली जो काफी ज्यादा बढ़िया, और इसके अंदर की जो लाइट वगैरह ना भाई तीन तीन चार चार फंक्शन के साथ आती है। आगे से ये थोड़ा सा कांच वाला लुक दे रखा, पीछे की तरफ से जो ये इन्होंने पेंट तो मेटल का कर रखा है, लेकिन ये प्लास्टिक है, और पीछे से ये जो की चैन है जिसको आप छल्ला बनाओगे ये भी एक्चुअल में प्लास्टिक है, लेकिन ये जो है भाई ये पीछे से लेके आगे तक, और ये जो इसका बॉटम है नीचे वाला हिस्सा, ये सब कुछ प्रॉपर मेटल का, इसी वजह से ये प्रैंक वाली लेजर लाइट जो है ये भाई काफी ज्यादा भारी हो जाती है। और ये देख सकते हो इसकी लेजर लाइट इतनी ज्यादा घातक है, ये कैमरे के लेंसेज वगैरह बड़े आराम से खराब कर सकते हो। नीचे वाले बटन के लिए यहाँ पे डेंजर का साइन दे रखा है, यानी कि अगर इसको दबा दिया तो भाई मोए मोए मोरे मोरे होनी पक्की है, क्योंकि ये देती है झटका। तो इसलिए जो इसके साथ किसी का प्रैंक वगैरह मत करना। अगर आपको ये भारी वाली लेजर लाइट पसंद है, या आपको नॉर्मल लेजर लाइट पसंद है, क्योंकि इसके अंदर भाई फंक्शन भी तो बहुत ज्यादा है ना, या फिर अगर आपको दोनों पसंद है, तो अपने नाम के आगे वॉल लिखना, उसके आगे आपको लिखना है टू लेजर लाइट, ताकि ये दोनों लेजर लाइट आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर प्रैंक वाली पसंद है तो लिख देना प्रैंक लेजर लाइट। और इसके बाद भाई जो तीसरा चीज है, ये है हमारा एक की चेन, जिसको आप बड़े आराम से अपने स्कूल की चाबी का छल्ला बना सकते हो, या स्कूल के बैग में टांग के सू करके जो है अपनी स्कूल की जिप भी खोल सकते हो। ये एक पासे की तरह काम करने वाला, क्योंकि ये पासे ही है ना, और ये काफी ज्यादा तगड़ा, ये देखो 3D बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर गड्ढे हुए पड़े, लेकिन एक्चुअल में ये गड्ढे पता नहीं है भी या नहीं है, ये तो जब आपके पास पहुंचेगा तब बताना। तो भाई इसके अंदर तो मेरा हर बार ना या तो तीन आता है या एक आता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो लगातार भाई दो बार कम से कम सिक्स लेके आ सकता है, तो उसको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है मिनी डाइस एंड बिग डाइस छल्ला, ताकि ये वाला जो है भाई छल्ला आपको गिव अवे हो सके। और अब इसके बाद लेते हैं हम अपना दादी जी की गुल्लक, और दादी जी की गुल्लक के पास जो है भाई अगर इस बार पैसे नहीं निकले ना दादी जी, तो हम आपका चश्मा चुरा के लेके भाग जाएंगे, फिर आप बैठ के भाई मोए मोए करते रहना। तो इसलिए जो है ना हमारा आज का दिन आपको अमेजिंग बनाना पड़ेगा, और सो ब्यूटीफुल और सो एलिगेंट भी बनाना पड़ेगा।
तो इसको भी हमने भाई अनपैक कर लिया और इसको इसी के जगह पे देखने वाले हैं। यार देखो तारीफ तो बनती है दादी जी की, यार भले ही दादी जी हमारी कैसी भी है लेकिन इनके स्नैक्स जो है भाई बड़े अलग निकलते एकदम मोटे मोटे। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, एक डंडा सा कुछ दिख रहा है भाई, और ये देखो नोटों की तरह आवाज आ रही है, बट ये क्या है ये देखना पड़ेगा। ओए क्या बात है भाई, ये तो एक BTS वाला फैन है ये। देखो कभी भी अगर आपके भाई घर की लाइट चली गई या क्लास में लास्ट में बैठे अगर स्कूल में लाइट चली जाए तो इस तरीके से इससे करना। ओए कितना कूल कूल लग रहा है भाई, डरमी कूल ठंड आ गई। तो अगर आपको इस तरीके के भाई साहब फैन बहुत अच्छे लगते हैं जिनको आप इस तरीके से करके पॉकेट में रख सकते हो और जब आपकी मैडम चली जाए तो पॉकेट से निकाल के आप इस तरीके से खोल के इससे हवा भी कर सकते हो, या अगर आप अपने स्कूल जा रहे हो गर्मी लगती है वैन में बस में तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अगर आपको इस तरीके के फैन पसंद है तो अपना आपको नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिखना, उसके आगे आपको लिखना BTS वाला फैन, ताकि ये BTS वाला फैन आप लोगों को गिव अवे हो सके। और इसके बाद पता नहीं ये कोई पर्स सा लग रहा है, नहीं भाई ये तो वेट में बहुत भारी है, ये तो देख कर ही पता चलेगा कि ये भारी इतना क्यों है भाई। इसको एक बार अच्छा ये यहाँ से निकलेगा। ओ वाओ भाई आप देख सकते हो इसके ऊपर WD लिखा है यानी कि वेस्टर्न डिजिटल, और यहाँ पर देखो एक पोर्ट भी दे रखा है जिसके अंदर आप अपनी USB केबल कनेक्ट करके अपने फोन में कनेक्ट कर सकते हो। और ये देख रहे हो भाई मतलब 2000 GB तक का इसके अंदर से डाटा आप स्टोर कर सकते हो भाई। ये एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसको आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, अपनी पीछे वाली जींस की पॉकेट में रख सकते हो, और जब कभी भी आपका भाई फोन की मेमोरी फुल हो जाए तो इसके अंदर भाई अपने किसी भी फोन की चार्जिंग केबल लगा के आप अपने फोन का सारा डाटा इसके अंदर भेज सकते हो। तो यार ये तो काफी ज्यादा काम की चीज है क्योंकि इसके अंदर 2000 GB यानी कि 2 TB तक भाई डाटा स्टोर होने वाला है। तो अब इसके बाद हम देखने वाले दादी जी की गुल्लक एक बार फिर से, और इस बार 100 के नोट से लेके हमें 50 का नोट भी चाहिए, 10 का नोट भी चाहिए, और गोल्ड कॉइन चाहिए, या फिर हमें दादी जी का चश्मा, या फिर एक भाई लकड़ी वाला लट्टू निकल जाए क्योंकि वुडन वाले लट्टू देखे हुए ना काफी ज्यादा टाइम हो गया, और भाई साहब या फिर अगर वो नहीं निकला ना तो फिर हमें चाहिए LED वाले लट्टू जो काफी ज्यादा तगड़े भी होते हैं। तो इसको ही गिरा देते हैं और देखते हैं कितनी चीजें निकले। लेकिन भाई इसके अंदर 2-3 चीज देख रहे हैं, तो वेट करते हैं एक और दादी जी का गुल्लक खोलते हैं ताकि टोटल 4-5 जो चीजें रहेंगी वो एक साथ देख लेंगे, क्योंकि हम 100 के नोट के, 200 के नोट के, 500 के नोट और सबसे अच्छी बात 2000 के नोट के इंतजार में। तो भाई राउंड नाश्ते की तरफ से आता तो फटाफट से इसको अनपैक करने वाले हैं। ये हमने इसकी भाई फटाफट से कैच से कट कर दिया है और अब जो है हम इसको इसी की जगह पे गिरा के देखने वाले हैं, फिर देखेंगे टोटल कितनी चीजें निकलती है हमारे कैप्टन अमेरिका के साथ साथ। तो भाई इसके अंदर अभी भी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है अटका हुआ है, तो देखना पड़ेगा क्या है क्या है क्या है क्या है भाई क्या है, कुछ है भी या नहीं है। ओ सिर्फ एक स्नैक, यार हमने वेट करा था कि हमारी जो टोटल कम से कम 5 से 6 चीज हो जाएंगी तो हम देखेंगे, लेकिन ये हुआ क्या है हमारे साथ। ये देखो एक हमारा निकला है डिजिटल लट्टू यानी कि LED लाइट लट्टू। यहाँ पर भाई रेड कलर की LED लाइट है, यहाँ व्हाइट कलर का पैनल है, इधर ब्लू कलर का, इधर ग्रीन कलर का, और ये एक स्प्रिंग वाला है जो कि जब घूमता है ना तो भाई इसके सेल को दबाव महसूस होता है और वो दो तार इस तरीके से अपने आप अटैच हो जाते हैं इसके दबाव की वजह से, और इसके अंदर फिर भाई म्यूजिक चलता है और LED लाइट चलती है। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी ये कोई मजाक की बात नहीं है। और ये इसका टॉप है जिसको कि आपको ऐसे घुमाना है, और ये देखो इस तरीके से भी निकली थी ना लाइट, इस तरीके से इसके अंदर लाइट जलेगी। पर उससे पहले इधर एक चीज और है भाई, ये है एक पता नहीं साइकिल है या क्या है यार, ये तो भाई मेरे को बिल्कुल नहीं पता, ये जिस किसी को भी पता है क्या है तो आप जो है हमें बता सकते हो। वैसे तो यार ये कुछ मर्सिडीज का लोगो सा लग रहा है मुझे तो। हाँ यार ये है तो मर्सिडीज का लोगो, लेकिन ये है क्या भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा। और ये एक बार लट्टू देखने से पहले ना पहले कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, कहीं पता चले कैप्टन अमेरिका हमारा बुरा मान जाए। भाई ये इसके साथ एक शील्ड आई है जो बड़े आराम से भाई इसके हाथ पे भी लग गई, और ये देखो कैप्टन अमेरिका टुडुक टुडुक, और भाई इसके पैर वगैरह भी बड़े आराम से मूव कर रहे हैं, और ये देखो इसकी कमर वगैरह भी सब मूव होती है, इसका हाथ भी पूरा 180 डिग्री घूम जाता है, और इसकी गर्दन तो भाई 360 डिग्री घूम रही है। तो ये भी एक कैप्टन अमेरिका जिसके पीछे भाई लाइट वाला सिस्टम पूरा दे रखा, और ये देखो भाई बकायदा जल भी रही है लाइट, ओ माय गॉड। तो अगर आपको इस तरीके की एक्शन फिगर पसंद है जिसके साथ आपको शील्ड भी मिलती है और कैप्टन अमेरिका भी आपका बड़ा वाला है, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिखना, उसके आगे आपको लिखना कैप्टन अमेरिका एक्शन फिगर, ताकि ये कैप्टन अमेरिका भी आपको गिव अवे हो सके। और आपको याद है ना हमारा स्पाइडरमैन और हल्क भी निकले थे। अब बारी आती है इस चीज की भी, तो ये क्या भाई एक लिपस्टिक निकली है कोई पाइनएप्पल फ्लेवर है, ये देखो इस पे पाइनएप्पल बना हुआ है और यहाँ लिपस्टिक बना हुआ है, और ये कैसे, अच्छा ये ऐसे खुलेगी ये देखो। ओए नहीं नहीं भाई ये मैं समझ गया ये क्या है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, ये भाई इरेजर जिसको ऐसे करते हैं। ओ भाई सो गुड यार, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉ। इसके अंदर ना रब करने पे देखो ये जो छोटे छोटे से दाने निकले ना, इसके अंदर से भाई पाइनएप्पल की खुशबू आ रही है, क्या बात है भाई। मतलब अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इस लिपस्टिक को ऐसे ओपन करो, अपनी स्पेलिंग को भाई मिटा लो, और उसके बाद ना आपको स्मेल आएगी वो भी पाइनएप्पल जूस वाली, कितनी बढ़िया यार ये। और ये हकीकत में एक असली वाली लिपस्टिक की तरह भी लग रही है, तो आप प्रैंक भी कर सकते हो। अगर आपको लिपस्टिक इरेजर पसंद है तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है मेकअप इरेजर, ताकि ये वाली मेकअप इरेजर आपको गिव अवे हो सके। और अभी एक बार भाई डेमो देख लेते हैं छोटा सा इस LED लट्टू का। इस लट्टू को जो है भाई ये आप देख के ना आपका दिमाग चकराने वाला है, क्योंकि ये इस तरीके से घूम रहा है जैसे कि होता है शक्तिमान शक्ति शक्तिमान भाई ये मतलब कि ना इतनी तेज घूम रहा है 360 डिग्री। इसको आप दिन में देख लो या फिर आप
इसको अंधेरे में रात में देखो भाई साहब, मतलब मजे ही मजे। ये इतनी तेज जाता है, और अगर ये गलती से दीवार से टकरा भी जाए ना तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है भाई। नीचे से जो है ना ये प्रॉपर स्प्रिंग वाले मैकेनिज्म पे बना हुआ है, जिसको देख के भाई बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और इसकी लाइट ओए होए जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, इतना बढ़िया लगता है इसको देखने में। और जो इसका म्यूजिक है भाई वो तो मतलब कि सोने में सुहागा यार। इसको देखने के बाद ना एक ही चीज कहने के लिए कि ये जो है ये काफी ज्यादा तगड़ा वाला लट्टू है, जिसके अंदर से लेजर लाइट भाई भर भर के निकलती है, और एलईडी लाइट की तो भाई कोई बात ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी इसके अंदर एलईडी लाइट जलती है। ये देखो बहुत ही गजब। ओह माय गॉड भाई ये काफी ज्यादा बबली था, ये इसने भाई हद करके रख दी। मतलब इसकी जो लेजर लाइट थी ना ओए होए सोने पे सुहागा, बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। तो भाई इसको इसकी जगह पे रखते हैं, और अब हम अपना एक और दादी जी की गुल्लक लेने वाले हैं। ये देखो बहुत ज्यादा दूर चला गए, और इस वाली गुल्लक से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसलिए सबसे पहले सीजर लेते हैं। तो ये आ गई हमारे हाथ में, और इसके बाद अब हम इसको कट भी करेंगे। और दादी जी इस बार ना आपका चश्मा चुरा लेंगे अगर आपने हमें 2000 रुपए का नोट नहीं दिया तो। एक तो भाई ये ना सबसे पहले तो ये हमारे को भाई बहुत ज्यादा टांग अड़ाता है, तो इसीलिए ना सबसे पहले इसको फटाफट से कट करेंगे, और इसी की जगह पे इसको गिरा के देखने वाले कि क्या निकलने वाला है। भाई क्या बात है यार, इसके अंदर भाई एक नहीं दो नहीं बहुत सारी चीजें दिख रही है। इसके अंदर एक मिनी शूट गन है, एक रोबोट है मंकी वाला, और साथ ही में इसके अंदर एक बुलेट भी है। लेकिन एक जो चीज खास है वो ये कि सबसे आखिरी वाला भी हम खोल लेते हैं, फिर उसके बाद सारे इकट्ठे देखने वाले हैं। तो इस बार भाई आप लोग भी रिक्वेस्ट करो, और आप लोग भी प्रे करो कि इस बार हमारा एक 2000 रुपए का नोट निकल जाए, ताकि 1000 आपके हो जाए 1000 हमारे हो जाए। तो इसको भाई यहीं पे गिराते हैं। क्या बात है यार, ओए ओए डिंग चिक चिक, हमारा एक और 500 का नोट निकल गया। ओ ये क्या, ये तो मोए मोए हो गया हमारा। मोरे मोरे भाई ये एक नकली का 500 का नोट निकला, लेकिन दूर से देखोगे तो सीएम असली का लगता है। लेकिन पता है एक इसके अंदर भाई कमी क्या है, इसके अंदर कमी ये कि ये दूर से अगर आप रखोगे, अगर आपके सामने असली रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि असली वाला ये वाला है, क्योंकि ये थोड़ा फीका है, और ये रंग में कुछ ज्यादा इन्होंने गाढ़ा बना दिया इसको। बाकी अगर आपको नकली का 500 का नोट पसंद है, तो आपको अपने नाम के आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना नकली जैसा नोट, ताकि ये वाला नकली का 500 का नोट भी आपको गिव अवे हो सके। और इसके अंदर हमारा एक निकला ब्रह्मांड पे कब्जा करना चाहता हूं मैं। ये हमारा थैनो, जिसके अंदर भाई ये देखो भाई लाइट वगैरह भी जल रही है, इसके हैंड की मूवमेंट बहुत अच्छी है, और ये जो हमारा थैनोस है इसके भाई पैर वगैरह की भी मूवमेंट आप देख सकते हो कितनी तगड़ी है। और ये खड़ा होने के बाद कुछ इस तरीके से भाई स्नैप करता है, और चुटकी बजा के सबको भा सकता है बड़े आराम से। तो आपको इस तरीके से भाई भारी भरकम वाले थैनोस का एक्शन फिगर पसंद है, जिसने भाई गॉन्टलेट पहन रखा, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिखना, उसके आगे आपको लिखना थैनोस, ताकि ये वाला थैनोस आपको गिव अवे हो सके। और ये देखो भाई इसके अंदर एक हमारा मेटल वाला स्पिनर निकला है, जिसकी स्पीड से ही पता लग गया होगा आपको कि ये काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला। तो इसको रोकते हैं, और इसके अंदर देखो भाई बहुत सारे स्टील के कंचे हैं, और इधर भी स्टील के कंचे लगे हुए हैं, इसी वजह से तो ये काफी ज्यादा देर तक चलता है। अगर आपको मेटल का स्पिनर पसंद है, तो अपना नाम लिख के आपको वाई लिखना है, और उसके आगे वाओ के आगे लिखना है मेटल वाला रेड स्पिनर, ताकि ये रेड स्पिनर आपको गिव अवे हो सके। और इसके बाद हमारी भाई एक गन भी तो थी, तो ये सबसे पहले हम गन लेने वाले हैं, और इसकी एक बुलेट भी लेने वाले हैं। तो ये आ गई हमारे पास बुलेट, ये रासकला माइंडे धाए धाए धाए। ओए भाई बहुत ही अच्छा है इसका साउंड, लेकिन यार ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में ना थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, ये देखो ना यहाँ तक पड़ रही है। एक सेकंड, ये क्या है? ओ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा गुड है, ये देखो ये इतनी छोटी रहती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये आपके हाथ में छोटी है, तो इस तरीके से खींच के इसको आप बड़ा बना सकते हो। ये देखो भाई मेरे पूरे उंगलियों में कवर हो गई, क्या बात है। तो इसका एक लाइव डेमो बनता, तो आज वो मेरे साथ लाइव। ओ ये ना रासकला माइंडेड धाए धाए धाए। तो भाई एक और क्या, ये चिपक जाएगी क्या, इसको देखते हैं। ओ भाई क्रेजी, और क्या चीज। तो भाई ये जो मिनी शूट गन है ये काफी ज्यादा तगड़ी है, और इसका नोजल वगैरह भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो अगर आपको भाई मिनी शॉट गन पसंद है, तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना मिनी शूट गन, ताकि आप अपनी पॉकेट में भी छिपा सको, और आपकी मैडम को भी नहीं पता चलने वाला। और साथ में एक निकला भाई हमारा इस तरीके का रोबोट मंकी, जो काफी ज्यादा स्माइल है, और ये काफी क्यूट है। तो भाई अब बारी आती है उन 15 लोगों को शाउट आउट देने की। तो ये 15 नाम, आदर्श, अभिनव यादव, ओम कतियार, एम देवन नारायणन, जिद हान, अंजलि तिवारी, राहुल, आकाश, साकिब, फरहान, आयुष यादव, हर्षित नागला, निहार महेश्वरी, सार्थक एंड दक्षराज। तो आज इन 15 में से किसने एक को नहीं दो को नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलने वाली है बहुत सी चीजें, जैसे कि एक मेटल की डाईकास्ट वाली थार, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और इसके भाई सारे दरवाजे वगैरह भी खुलते हैं, तो ये काफी ज्यादा असली लगती है। दूसरी चीज जो मिलने वाली है वो है भाई ये वाले TWS, जिसको आप एयरपोर्ट्स भी कहते हो, क्योंकि ये आपको एकदम एप्पल की तरह दिखते हैं। और तीसरी चीज है भाई, आप में से काफी सारे लोगों ने बोला था कि भैया हमें घोस्ट वाली स्लाइम
स्लाइम चाहिए, यानी कि आपको चाहिए थी मॉन्स्टर स्लाइम घोस्ट वाली, तो एक नहीं दो दो मिलने वाली है और वो भी तीन लोगों को मिलेंगी, यानी कि ये टोटल छह जाएंगी। तो एक को दो, एक को दो, एक को दो, तो वही टोटल छह। तो इस तरीके से सारी चीजें भाई तीन बार जाने वाली है, और ये घोस्ट स्लाइम है यानी कि मॉन्स्टर स्लाइम, ये भी तीन लोगों को मिलने वाली है। तो ये तीनों चीजें जिन भी तीन लोगों को मिलने वाली है, इनकी काफी ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाली है। और अगर आपको भी इनमें से जोन जोन सी चीजें पसंद आई है, चाहे नकली नोट हो, चाहे असली नोट हो, चाहे बीटीएस का फैन तक क्यों ना हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वो लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है वो वाला आइटम, ताकि वो आइटम जो है आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर आपको इस सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स का पसंद आया, तो भाई करें ज्यादा से ज्यादा लाइक, करें इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर, और अगर इस पर भी 2000 से ज्यादा लाइक, 2000 से ज्यादा कमेंट और 2000 से ज्यादा शेयर होते, तो ये सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स का कर दिया जाएगा 15 लोगों को शाउट आउट देकर गिव अवे। और इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि टोटल 5 लोगों को मिलने वाला है सारा का सारा अल्टीमेट गिफ्ट। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए, तो चैनल के सब्सक्राइब बाजू में दिखाए बेल आइकन को दबाता है, आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।